महाराष्ट्र में मंत्री था तो अटल जी ने मुझे जिम्मेदारी दी थी कि गांवों को जोड़ने के लिए योजना बनाई थी मेरी अध्यक्षता में। तब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये मैंने बनाई, ये बहुत फ्लैगशिप योजना अटल जी की थी। और जब इसकी मीटिंग हुई तब मुझे याद हुआ नीति आयोग के लोग एक सक्सेना करके मेंबर थे, सक्सेना मेंबर थे, साइकिल पे अटल जी के सामने उन्होंने प्रश्न रखा कि सर हम पैसा कहाँ से लाएंगे। तब मैंने उस समय अटल जी को कहा था कि आप 50 पैसे डीजल पेट्रोल पे सेस लगा दीजिए और इस पैसे को आप इस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए दीजिए। बाद में उसकी डेफिनेशन बदलती गई, अभी और मोदी जी के समय में और बदली, उसमें शिपिंग और पोर्ट वाटरवेज को पैसा जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे को जा रहा है, रोड को जा रहा है, और रोड में कौन सा जा रहा है वो नेशनल हाईवे में उसमें पैसा डायरेक्ट नहीं आता, जो CRF का पैसा हमको मिलता है वो हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं। बड़ा प्रोजेक्ट आपके चल रहे हैं, लाखों करोड़ के चल रहे हैं, 15,000, 20,000, 50,000। आपको मैं समझाता हूँ ये बात, वो फाइनेंशियल गणित समझिए। फिर जो रोड मैंने पूरे किए हैं उसको हम 20 साल के लिए 30 साल के लिए मोनेटाइज करते हैं। अभी आपने देखा होगा बीच में ऑस्ट्रेलियन कंपनी आई, उन्होंने हमारे से रोड खरीदी किए, कल फिर दो टेंडर निकले 5,000 करोड़ आए, फिर हम कैपिटल मार्केट से पैसे खड़ा करते हैं। अब हमारा टोल का इनकम इस साल 10,000 करोड़ से बढ़ रहा है, पिछले साल 24,000 करोड़ था, इस साल 34,000 करोड़ होगा। और जब मैं 5 साल पूरे करूंगा इस रिजिम की हमारी सरकार के, तब मैं हमारा टोल इनकम 1,34,000 करोड़ होगा। मेंटेनेंस में कितना खर्चा आएगा, होना चाहिए 10,000 करोड़ होगा सारे इतना सारे बड़े नेटवर्क। हाँ, अभी सीमेंट कॉन्क्रीट आप रोड देखो ना जाके, ऐसे आप बना रहे हैं आपके राज में आए ना, तो कितना परसेंट होगा टोटल का होगा सर? ये आप रोड में तो गड्ढे ही नहीं पड़ते, आपको आपको पता है कोई अखबार में आपने सुना कि NHAI के रोड पर गड्ढे पड़े करके? बताइए, मेंटेनेंस 1,50,000 जो जो कहते हैं कि हर चीज बेची जा रही है, सरकार जो है आजकल सड़कें बेच रही है, रेलगाड़ी बेच रही है, सब चीजें बेच रही है, प्राइवेटाइज कर दे सब चीज। सर ये बेच नहीं, मोनेटाइज कर रही है, इसको समझ लीजिए, मोनेटाइजेशन अमेरिकन वर्ड है। मुझे बताइए सरकार के पास पैसा वहां से आएगा? तो हमारा मोनेटाइजेशन की पॉलिसी ऐसी है कि 90,000 करोड़ की आज प्रेजेंट वैल्यू आएगी, समझो 65,000 करोड़। तो हम कहते हैं कि भाई हमको जो 65,000 करोड़ देगा उसको हम एयरपोर्ट 30 साल के लिए देंगे। अब ये 65,000 से हम लोग कोई ओडिशा में, कई बंगाल में, कोई महाराष्ट्र में, कोई गुजरात में, कोई आंध्र में, कोई बैक एयरपोर्ट बनाते, तो वो पैसे से 500 एयरपोर्ट जो बनेंगे वो उस पैसे से बनेंगे, इसमें गलत क्या है? कल जितना भी रोड प्रोजेक्ट से इनॉग्रेशन हो रहे हैं सब जगह, जहाँ इलेक्शन हो रहा है वहाँ कर रहे हैं, इस अभी जो एक महीने में हुआ है, आपने तमिलनाडु में कर दिए, आसाम में कर दिए, वेस्ट बंगाल में कर दिए, UP में करने जा रहे हैं, तो उससे पहले तो बात आपके बिल्कुल सही है, इसमें गलत क्या है? नहीं, चुनाव हमें याद आ गया, अगर काम करना ही था नितिन भाई, आप तो 12 महीने काम करते हैं, 365 दिन काम करते हैं। बात बताइए, 20 जनवरी आज बैठे हम कब? लोकतंत्र में हम साधु संन्यासी है क्या? तो आप सरकार का प्रयोग चुनाव के लिए करना चाहते हैं ना? देखिए अभी क्यों नहीं करेंगे, गलत क्या है? अगर हम अच्छा काम करेंगे तो चुनाव में जनता के पास जाते हुए उसको कैश करेंगे। तमिलनाडु अभी याद आ गया आपको, केरला अभी याद आ गया आपको, असम अभी याद आ गया, वेस्ट बंगाल याद आ गया। मैंने तो एक्सेप्ट किया ना जी कि चुनाव है, इसलिए हम पहले वहां प्रायोरिटी पे कर रहे हैं, बिगड़ा क्या उसमें, क्या गलत है, कौन से नियम में कानून के खिलाफ है, कौन से लोकतंत्र के इसके खिलाफ है, आप मुझे बताइए। जैसे मैं हूं, चुनाव के आया है इसलिए हम अच्छा काम करेंगे ताकि वोट हमारे को मिले। मैं और सवाल पूछूंगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।